अच्छा जी, तो नॉट सो लॉन्ग अगो मेरे मुझे एक बंदे ने, इनफैक्ट एक बंदी ने मैसेज किया जो कि ये है। उसने मुझसे बेसिकली पूछा कि कोट एंड कोट, हाउ डू वी स्टॉप फॉलिंग इन लव, इट्स रूइनिंग माई मेंटल हेल्थ। अब मजे की बात यह है कि क्वेश्चन उसका है, लेकिन ये क्वेश्चन सबका है कि भाई मोहब्बत हो गई है क्या करें। तो मैंने देखा यार, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वैसे मैं करता था, पहले करता मतलब वीडियो सामने करता था, वन टू वन लोगों से बातें करता था। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम और DNB। होपफुली अगर क्वेश्चन बस ऐसा होगा जो सबके लिए अच्छा होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा ही। ठीक है। अब मैंने कहा यार, ये सवाल जो है ना, ये पूरी जनरेशन का ये सवाल है, मोहब्बत कैसे रोके भाई, मोहब्बत कैसे रोके। तो पहले तो कर लेते हैं मोहब्बत ही बात कर लेते हैं। तो मोहब्बत क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस कर लेके जाऊँगा कि कैसे लोगों की कोचिंग करता था, मुझे ऐसे बड़ी सी आती है। खैर, तो सबसे पहले तो मैं अदर करता हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग। इस तरह आपने सवाल पूछा है कि हाउ टू स्टॉप फॉलिंग इन लव, तो मैं दो सवाल पूछूंगा आपसे। पहला सवाल, व्हाट इज लव टू यू? सेकंड, व्हाई डू यू स्टॉप इट, मेक इट स्टॉप। अब इस दो के सवाल ना बड़े टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, ठीक है ना, फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, बहुत सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वट एवर मे बी। मोस्ट लव रिज्यूम कर लेते हैं कि आपका सवाल है गूगल वाला। लव इज द इमेंस फीलिंग ऑफ अफेक्शन यू फील टूवर्ड्स समथिंग और समवन। ठीक है, मैं पूछूंगा अच्छा लस्ट में क्या फर्क है। फिर आपको गूगल फिर करोगे, आपको कि लस्ट इज द फीलिंग ऑफ इमेंस अफेक्शन टूवर्ड्स समवन मेनली सेक्सुअली। मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या लव में वाला फैक्टर नहीं आता? तो आप कहोगे हाँ आता है। तो मैंने फिर कहा कि फर्क तो कुछ भी नहीं रह गया प्यार, गूगल ने आखिर प्रैंक कर दिया। तो कहोगे ओए हाँ, बात तुम्हारी किसी हद तक सही है। फिर आप कहूँगा कि ये गूगल की SEO पे कोई सवाल का जवाब टॉप पे आ जाए, दैट डज नॉट मीन कि वो सवाल का एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि लव इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। एंड वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम लव, और मैंने कोई लैला मजनू कहानी से सीखा, मैं सीखा किससे है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूल सल्लम की मोहब्बत से। ठीक है ना, हजरत उमर अल फारूक और रसूल सल्लम की मोहब्बत से, हजरत अली बिन अबी तालिब और रसूल सल्लम की मोहब्बत से। लव ओनली ग्रोज ओवर टाइम। ठीक है ना, और लव द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट इज कि लस्ट शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, वो इवेंचुअली फेड फेड करता रहता है। वेयर एज लव शुरू शुरू में उतना नहीं होता जितना वो आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, और लव जो है वो आजमाइश मांगता है। लव जो टेस्ट मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है लव। ठीक है, सुबह सुबह फजर पे उठ के नमाज पढ़ना होता है लव, किसी के ख्वाब देखना, किसी को स्टॉक करना होता है लास्ट। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि भाई आपका मतलब है कि क्या बंदा दूसरे एक बंदा दूसरे बंदे पे प्यार नहीं कर सकता? एक बंदे में दूसरे बंदे से प्यार करना, और क्या आप लव एट फर्स्ट साइड पे यकीन नहीं करते? मैं उसको सिंपल जो इधर मुझसे पूछा था बंदे ने सवाल वाला कि भैया आप लव एट फर्स्ट साइड पे यकीन नहीं करते, मैं उसे कहा भाई मैं लव एट जीरो साइड पे बिलीव करता हूँ। ना मैंने फिजिकली अपने आपको रसूल्ला को देखा है, ना मैंने अल्लाह को देखा है, और आपके सामने मैं कितना बिलीव करता हूँ। तो लव हैज नथिंग टू डू विद साइड्स। ठीक है सुकाटो, जब जितनी दफ़ा मैं देखो देख लो, मैं 1000 दफ़ा देखूँ ट्रंप को, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं पसंद आएगा वो। लव हैज नथिंग टू डू विद साइड्स, हाउ नो मैटर हाउ मच यू सी और हाउ लेस यू सी, व्हाट लव हैज टू डू विद, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, जो कि हदीस के मुताबिक प्यार क्रिएट भी किया जा सकता है, लोगों के दिल में प्यार डाला भी जा सकता है। ठीक है ना, वेयर लास्ट नहीं डाली जा सकती। तो इधर डिफरेंस बिटवीन ये और वो देखा ना अगर आपने, तो बस 2 महीने दो अपने आप को या फिर 4 महीने दो। ठीक है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मैं कहीं पढ़ा था, मैंने भी कहीं वेबसाइट से ही पढ़ा था, मैंने खुद रिसर्च नहीं की हुई, ना मैं किसी बुक में पढ़ा था। कोई 6 मंथ्स में लस्ट फेड होना शुरू होती है अगर उसको सब्जेक्ट ना दिखाया जाए रोज़ रोज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बंदी पसंद है, उसको रोज़ रोज़ स्टॉक कर रहा हूँ, तो मैं अब उससे को ना अपना डिलाइट दे ही जा रहा हूँ माइंड कि हाँ एक दिन ये होगा एक दिन वो होगा। अगर मैं सारा कट ऑफ कर दिया उससे, तो विद इन 6 मंथ्स वो ख़त्म हो जाएगा इफ इट्स लास्ट।
ठीक है ना, इफ इट्स अट्रैक्शन तो फिर अनटिल दूसरी कोई अट्रैक्शन आएगी, ये भी है अट्रैक्शन का भी मामला है बीच में। इफ इट्स अट्रैक्शन तो अनटिल कोई दूसरी अट्रैक्शन आएगी तो आपको अट्रैक्शन आपकी रहेगी, साइकोलॉजिकल बात है। अटल पर आपने कोई पहला दूसरा खाना खाया, आपका मुंह में पहला टेस्ट रहेगा। और जहां तक बात है लव की, लव एक बहुत प्योर लेवल ऑफ कनेक्शन है बिटवीन एनीथिंग, और वो डिवाइनली भी है एक सेंस में। तभी लोग सूफी कहते हैं कि भाई सिर्फ अल्लाह से, इश्क से, सिर्फ लव अल्लाह से होता है, और फिर लव अल्लाह के लव से ही आप इंसानों से लव करते हो, अल्लाह की मखलूक है। जिस बात पे बड़ा प्यारा पॉइंट है, जो कि सहाबी दूसरे सहाबियों का पहले इस्लाम से पहले कसर कड़ाई पर लेते आते हैं कबीले आपस में, जैसे ही वो इस्लाम कबूल किया वो आपस में भाई बन गए, भाई बन गए ना, मोहब्बत आ गई ऑटोमेटिकली, दिल में मोहब्बत आ गई। कैसे आई? लव डाला गया रसूल अल्लाह की मोहब्बत में, उनसे भी मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मोहब्बत में उनसे मोहब्बत आ गई। तो मोहब्बत का फलसफा सर बहुत डीप है, मोहब्बत का फलसफा मैं घंटा बोलता रहूँ ख़त्म नहीं होगा। आपका सवाल का जवाब क्या है? आपका सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिहाज से अगर आपको बार बार फोन लेके लव हो रहा है तो भाई आपका सवाल का जवाब या फिर आप किसी और का भी सवाल का जवाब अगर मिल रहा हो, तो देर आर थ्री थिंग्स इन दिस होल सिनेरियो। वन, मुझे इस सवाल तो इसका जवाब तो हमें पता है कि भाई हमें क्यों रोक रहे हैं उसको, क्योंकि भाई हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम रात को उसी चीज़ पर सोच रहते हैं, उसी चीज़ को स्टॉक करते रहते हैं, उसी के ख्वाब देख रहे थे, मजिशन को वाइल्ड कर देते हैं इस तरह का, ठीक है। तो समझ आ गया कि भाई हमें क्यों रोक रहे हैं उसको। अब रोके कैसे? रोकेगा सिर्फ तब जब आप ना कोई जस्टिफिकेशन देना बंद करोगे, ये इंडियन मूवीज देख दूख के, या फिर ये परसेप्शन ऑफ लव देख के कि लव ही है मुझे वो भी हर दफा, ठीक है। तो या तो यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन, यू नीड टू गो इनसाइड दिस, यू नीड टू पील ऑफ अनियंस, उसके बाद रोना भी आएगा आपको, लगता रहेगा। यू नीड टू पील ऑफ सम अनियंस टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट एडवाइस द रीजन यू शुड डू व्हाट यू डू। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज। एंड यू कैन क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इस तरह के या फिर कोई अच्छे या किसी भी तरीके के, ठीक है, तो यू कैन शेयर इट और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।